हेलो एवरीवन, डायरेक्टोरेट सामाजिक सुरक्षा अते स्त्री ते बाल विकास विभाग पंजाब, इनकी तरफ से जो नया रिक्रूटमेंट नोटिस जो अभी अभी जो जारी हुआ है, जिसमें जो आंगनबाड़ी वर्कर अते आंगनबाड़ी हेल्पर दी भर्ती संबंधी जो आगे जो जानकारी अते जो शर्तां जो दी गई हैं। तो सबसे पहले जो आता है आपके पास जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में, वो है मिति 17/2/2023 बक-बक अखबारों में प्रकाशित किए गए एडवरटाइजमेंट की लगातारता विच पंजाब राज विच जो 1016 आंगनबाड़ी वर्कर मेन 129 मिनी आंगनबाड़ी वर्कर अते जो 45-69 आंगनबाड़ी हेल्पर दिया खाली असामिया की भर्ती लई जो निरोल जो आगे फर्दर दिया गया आपके पास जो नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग जो दिया गया, और उसके जो फर्दर आता है आपके पास जो योग स्त्री उम्मीदवार तो मिति 17/2/2023 तो 9/3/2023 शाम 5 बजे तक ऑफलाइन विधि राही जो दरखास्तों की मांग की जाती है। इस संबंधी जो मुकम्मल जानकारी विभाग की वैबसाइट जो है, जो भी हम आपको पूरी डिटेल में इंस्ट्रक्शन बता रहे हैं, वो है sswcd.punjab.gov.in अते संबंधित जिले की वैबसाइट पर उपलब्ध है। तो आगे इसमें फर्दर आता है, इस भर्ती संबंधी जरूरी जानकारी अते शर्तां हेठ लिखे अनुसार हैं। असामिया की वंड तो आंगनबाड़ी वर्कर मेन, आगे जो फर्दर आता है आपके पास आंगनबाड़ी वर्कर मिनी आंगनबाड़ी हेल्पर दियाँ खाली असामिया की विस्थारपूर्वक जानकारी अते राखवी कैटागरी वाइज जो सूची जो अनुलग एक बिच दर्ज है, जो आगे फर्दर इसके रिगार्डिंग जो नोट दिया गया है, विद्या योग्यता जो रहेगी इसमें आपकी वो है आंगनबाड़ी वर्कर मेन अते मिनी लई घट्टो घट 10+2 पास की, नियुक्ति समय उम्मीदवार घट्टो घट 10वीं पद्धर की पंजाबी पास होना लाजमी है। नोट जो है इसमें दिया गया फर्दर आपके पास वो है घट्टो घट जो घट घट विद्यक योग्यता तो अलावा उचेरी सिक्ख्या ते मैरिट क्राइटेरिया अनुसार वाधू अंक दिते जाएंगे। तो आंगनबाड़ी हेल्पलाइन घट्टो घट 10वीं जो है मैट्रिक पास की होवे अते जो नियुक्ति समय उम्मीदवार घट्टो घट 10वीं पद्धर की पंजाबी पास होना लाजमी है। तो आगे फर्दर इसमें जो इसके रिगार्डिंग जो नोट दिया गया है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम, वो है उम्र सीमा। तो इसमें जो आपकी एज जो रहेगी वो है 1/1/2023 तक, तो वो है आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर की भर्ती लई घट्टो घट उम्र 18 साल अते बद्दोबद्द उम्र 35 साल होगी। आगे जो फर्दर जो कैटागरी वाइज आपको रिलैक्सेशन मिलती है, जो नेक्स्ट आता है आपके पास वो रिहाइश जो है अर्जियाँ मंगे जान समय बिनेकार दी रिहाइश हेठ लिखे अनुसार होनी चाहिए है। तो जहाँ पे फर्दर इसके रिगार्डिंग जो सारा दिया गया है, जो आपका पेंडू खेतर लई शहरी खेतर लई, तो जहाँ आपके फर्दर दिया गया है जहाँ पे आपका रिहाइश संबंधी जो सबूत जो आपको सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग जो आपको चाहिए होगा, जैसे जो आपका शिनाख्ति पत्र और जो आपका ताज़ा वोटर कार्ड, तो इसके रिगार्डिंग जो फर्दर जो नोट दिया गया है आंगनबाड़ी वर्कर अते हेल्पर दियाँ असामिया लई राख वाकरण की विधि। तो आगे फर्दर इसके रिगार्डिंग जो सारी इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं नेक्स्ट पेज पे, तो ये सारी जो जहाँ पे नोट तक जो सारी फर्दर आपकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं। नेक्स्ट जो आता है आपके पास जो चोन प्रक्रिया की विधि, तो बिने पितर लैन की विधि, तो इसमें जो फर्दर आपके पास जो सारा दिया गया है, जो आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर की भर्ती लई निर्धारित किए गए परफॉर्मा अनुसार ही बिने पत्र दस्ती या जो आगे रजिस्टर्ड पोस्ट राही ले जाएंगे। बिनेकार अपने बिने पत्र संबंधित दस्तावेज दी सवे जो आगे तस्दीकशुदा कॉपियां समेत निश्चित समय दौरान केवल इलाके दे संबंधित बाल विकास प्रोजेक्ट अफसर CDPOS दे योग विधि नाल जमा करवाएंगे अते जो इस दी रसीद प्राप्त करेंगे। तो आगे इसके रिगार्डिंग नोट दिया गया है मैरिट का, जो आगे फर्दर आता है मापदंड, तो इसमें फर्दर जो सारा जो दिया गया है आंगनबाड़ी वर्कर अते आंगनबाड़ी मिनी वर्कर ले, तो जहाँ पे आपकी विद्यक योग्यता सारी बता गई है, जहाँ पे कुल अंक जो आपको देने हैं हमने सारी वैसे जो बता दिया है, तो अगर आपका जो 10+2 है जो जहाँ पे आपके 70 अगर ग्रेजुएशन डिग्री है तो जहाँ पे सारा बता रखा है, और इधर जो आपका है जो विशेष कथन जो है एक्स जो आगे /100 जो आगे %, जो एक्स डिवाइड सो है तो आगे जो %, जो है वाई उदाहरण हेठ अनुसार, तो जहाँ पे विशेष श्रेणी जहाँ पे जो आपका कुल जोड़ दिया गया है।
तो नेक्स्ट आता है आपके पास जो आंगनवाड़ी हेल्पलाइन रही, तो उनके रिगार्डिंग जो सारा दिया गया है जहाँ तक, और वैसे ही जो जहाँ तक आपका जो विद्या योग्यता लड़ी नंबर कुल अंक, तो जहाँ पे जो विशेष कथन जो आगे फर्दर दिया गया, जहाँ भी जो है विशेष कथन, तो नेक्स्ट आता है आपके पास इसके रिगार्डिंग जो फर्दर जो सारी इंस्ट्रक्शंस हैं। उसके बाद जो आता है उडीक सूची, तो उसके रिगार्डिंग जो फर्दर सारी इंस्ट्रक्शंस हैं, और ये जहाँ तक जो आपका हेठ लिखे जो आपकी पूरी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, होर आम शर्तां अते जानकारी, तो इसके रिगार्डिंग जहाँ पे हाजिरी रिपोर्ट, मेडिकल जो शरीरिक फिटनेस अते पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, तो जहाँ पे आगे फर्दर वैसे ही जहाँ तक पहले, तो जहाँ तक आपकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जहाँ पे जो पहली अपील कमेटी, उसके बाद जो दूसरी अपील कमेटी जो फर्दर सारा आपका बता रखा है, जहाँ पे जो आपका जो विनय पत्र जो असामी लई आंगनबाड़ियाँ हेल्पलाइन दी असामी लई, तो आगे फर्दर आता है सवे कोशना, तो ऐसे ही फर्दर कुछ आगे भी पेजेस हैं। अगर आप ये खुद से देखना चाहते हैं आप हमारे टेलीग्राम के चैनल आरएस लर्नर्स पे पढ़ सकते हैं, और ये हम आपको सबसे पहले अपने यूट्यूब के चैनल पे बता रहे हैं। और अगर आप ऐसे चाहते हैं आगे फ्यूचर में हम आपको सभी गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग, साथ में टेम्प्रेरी के रिगार्डिंग, या अडॉक हो या टेम्प्रेरी हो या आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट पर सभी जॉब्स के रिगार्डिंग पूरी इन्फॉर्मेशन दे सबसे पहले दें, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल नोटिफिकेशन ही दबा दीजिएगा। और अगर आप नोटिफिकेशन खुद से पढ़ना चाहते हैं आप हमारे टेलीग्राम के चैनल आरएस लर्नर्स पे पढ़ सकते हैं, वहाँ पे हमने पहले ही कुछ मिनट पहले अपलोड कर दिया है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।